कायर डरते हुए नामे अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कायर की आंखों की पुतली में एक लड़की का चेहरा नजर आने लग जाता है, एक ऐसी लड़की का जिसे वो अच्छे से जानता था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बिंदु थी। कायर ने उन मुर्दों के झुंड में किसी और को नहीं बल्कि बिंदु को देखा था। बिंदु भी उन मुर्दों के साथ ही उनके बीच में ही खड़ी हुई थी। उसने लेफ्ट कंधे पर एक काले रंग का साइड बैग टांगा हुआ था और उसने राइट हैंड में पैना नुकीला बड़ा सा चाकू पकड़ा हुआ था, जिससे किसी की भी गर्दन को काट कर एक पल में अलग किया जा सकता था। बिंदु भी उन मुर्दों की तरह ही चलते हुए धीरे धीरे कायर और उसके दोस्तों की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रही थी। कायर डरते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये बिंदु को क्या हो गया? ये इन मुर्दों की तरह क्यों चल रही है? कहीं काले साहे ने इसे भी मारकर तो अपने वश में नहीं कर लिया? कायर तुरंत अगले ही पल नामे अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बिंदु को कुछ नहीं हो सकता है, वो काला साया मेरी बिंदु को कुछ नहीं कर सकता है। कायर बार बार इसी बारे में सोच रहा था, जिस कारण वो अपने होशो हवास खो बैठा था, मूर्ति बनकर खड़ा हो गया था, कुछ कर नहीं पा रहा था। बिंदु भी एकटक नजर से कायर को देखते हुए उसी की तरफ कदम बढ़ाते जा रही थी। अभी तक कायर के अलावा बाकी किसी का ध्यान बिंदु पर गया ही नहीं था, क्योंकि सब बाकी के बचे हुए मुर्दों से ही लड़ने में लगे हुए थे। बिंदु कायर को गुस्से के साथ घूरे जा रही थी। कायर के समझ नहीं आ रहा था कि बिंदु को हो क्या गया था और वो क्यों उसे इस तरह देख रही थी। बिंदु कायर के एकदम सामने आकर खड़ी होती है और चाकू सीधा करके उसकी तरफ करने लग जाती है। बिंदु को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कायर पर वार करने वाली हो, पर कायर कुछ कर ही नहीं रहा था, बस स्टैचू बनकर खड़ा हुआ था। अगले ही पल बिंदु चाकू से कायर की गर्दन के राइट साइड पर वार कर देती है। कायर कसकर चीखता है, आ! इसी चीख के साथ कायर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने के बाद कायर को दर्द का एहसास नहीं होता है। उसके समझ नहीं आता है कि गर्दन पर चाकू लगने के बाद भी उसे दर्द का एहसास क्यों नहीं हो रहा था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि बिंदु ने उस चाकू से उस पर वार नहीं किया था, बल्कि उसके पीछे जो मुर्दा खड़ा हुआ था उसकी गर्दन पर वार किया था, जिसका सिर कटकर नीचे गिरा हुआ था, और अगले ही पल वो मुर्दा भी गिर जाता है। कायर बिंदु से कुछ कहता उससे पहले ही बिंदु कायर से बोल पड़ती है, कायर क्या कर रहे हो, ऐसे खड़े क्यों हो, लड़ो इनसे वरना ये तुम्हें मार देंगे। बिंदु की बात सुनते ही लेफ्ट साइड से जो मुर्दा आ रहा था कायर उससे लड़ने लग जाता है। बिंदु भी उन मुर्दों से लड़ने लग जाती है। बिंदु को उन मुर्दों से लड़ते हुए देख कायर समझ जाता है कि बिंदु उस काले साए के साथ नहीं मिली हुई थी, ना ही वो उस काले साए के वश में थी। सब कुछ उसकी गलतफहमी थी जो अब दूर हो चुकी थी। सभी लोग लड़ने में लगे हुए थे, जिस कारण बिंदु पर ध्यान जाने के बाद भी वो बिंदु से कुछ पूछ नहीं पा रहे थे। पर कहीं ना कहीं सबके मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर बिंदु अचानक से वहां पर कैसे आ गई थी, और पहले वो मुर्दे उसका कुछ क्यों नहीं कर रहे थे, वो उनके साथ चलते हुए कैसे आ रही थी। वर्चस्विनी, कछुआ, अमोदिता और वंदना अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने लग जाते हैं, एक एक करके सभी मुर्दे को हराने लग जाते हैं। रजनी तो अपनी सौदाइन की शक्ति का उपयोग करने लग गई थी और अपने नाखून के एक ही वार से उन मुर्दों को धराशायी कर दे रही थी। कुछ ही देर में वो सब मिलकर सारे मुर्दों को हरा देते हैं। वो मुर्दे मरते तो नहीं है बल्कि जमीन पर ही गिर जाते हैं। उनके सिर्फ हाथ पैर में मूवमेंट तो हो रहा था, पर वो उठ नहीं पा रहे थे। कछुए के हाथ पैर खून से सने हुए थे। जब सब मुर्दे हार जाते हैं तो कछुआ अपने चारों तरफ देखते हुए बड़े ही आक्रोश के साथ कहता है, कोई और जो बचा है कोई जो अब मुझसे लड़ना चाहता है? अगर है तो सामने आ। कछुआ बड़े ही आक्रोश के साथ चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है, पर उसे कहीं भी कोई मुर्दा चलते हुए नजर नहीं आता है। सारे मुर्दे नीचे जमीन पर पड़े हुए थे, जो अब बिल्कुल भी उठने के काबिल नहीं बचे हुए थे। वैसे तो वर्चस्विनी के दिल में कछुए के लिए उसी दिन प्यार आ गया था जब कछुए ने ग्रेवयार्ड कोठी में उसे काले साए के वश से छुड़ाया था, पर उस प्यार को वर्चस्विनी ने उस वक्त जाहिर नहीं होने दिया था। पर आज कछुए की इतनी बहादुरी देखकर वर्चस्विनी अपने आप को रोक नहीं पाती है और तुरंत कछुए के पास जाकर बड़े प्यार से कहती है, नहीं कछुआ, कोई नहीं बचा, मार दिया तुमने सबको। कछुआ भी वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, मैंने नहीं वर्चू, हम सब ने मिलकर मारा है इन्हें। वर्चस्विनी कछुए की फिक्र करते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना कछुआ? कछुआ कहता है, हाँ वर्चू मैं ठीक हूँ, और तुम तो? कछुआ अपनी बात पूरी करता उसे पहले वो नोटिस करता है कि वर्चस्विनी के हाथ से खून बह जा रहा था। कछुआ घबराते हुए वर्चस्विनी से कहता है, ये क्या, तुम्हारे हाथ में तो चोट लग गई है, खून बह रहा है। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, तुम फिक्र मत करो कछुआ, ये चोट कुछ भी नहीं है, ऐसी कई चोटें झेली हैं मैंने अपनी जिंदगी में, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कछुआ पलट कर कुछ कहता उससे पहले ही रजनी की नजर बिंदु पर पड़ जाती है, जो कायर के बगल में ही खड़ी हुई थी। रजनी तुरंत बिंदु से पूछ पड़ती है, बिंदु तू यहाँ पर क्या कर रही है?
बिंदु रजनी के सवाल का कुछ जवाब देती है, उससे पहले ही कायर भी बिंदु से पूछ पड़ता है, हाँ बिंदु तुम यहाँ कैसे और तुम उन मुर्दों के साथ कैसे आ रही थी। बिंदु कायर को एकटक देखते हुए उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो कायर वो। इतना कहकर बिंदु खुद चुप हो जाती है। वो कायर के सवाल का कुछ जवाब नहीं दे पाती है, ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे कुछ छुपा रही थी। कायर बिंदु पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ता है, वो क्या कर रही हो बिंदु, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, तुम यहाँ इतनी रात में कैसे। बिंदु एक लंबी आह भरते हुए कहती है, वो कायर बात कुछ ऐसी है कि जब मैं सो रही थी तो मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। कायर हैरानी के साथ पूछता है, बुरा सपना, कैसा बुरा सपना बिंदु। बिंदु कायर को एकटक देखते हुए जवाब देती है, वो बुरा सपना क्या था वो तो मुझे अच्छे से याद नहीं, पर उस सपने में तुम्हारी जान खतरे में थी, एक काला साया तुम्हें मार रहा था, अपने अंदर समा रहा था, और उसी वक्त चीख के साथ मेरी नींद खुल गई। जब मैं उठी तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, मैंने तुम्हें कॉल भी किया तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए, पर तुम्हारा कॉल ही नहीं लगा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, एक डर सता रहा था कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए बिना देरी करे मैं खुद ही तुम्हारे पास आने के लिए घर से निकल गई, और यहाँ बीच रास्ते में ही तुम मुझे मिल गए। कायर बिंदु पर कुछ चिढ़ते हुए कहता है, बिंदु तुम पागल हो क्या, मैंने कहा था ना तुमसे चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। बिंदु कायर से पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस झट उसके गले लग जाती है। कायर भी बिंदु को दोनों हाथों से थामते हुए अपने गले लगा लेता है। बिंदु के गले लगते ही कायर ये बात भूल ही जाता है कि बिंदु उन मुर्दों के साथ आई थी जो उस काले साए के साथ ही थे। कायर भले ही ये बात भूल गया हो पर कछुआ ये बात बिल्कुल भी नहीं भूला था। कछुआ अगले ही पल बिंदु पर शक करते हुए उससे पूछ पड़ता है, वो सब तो ठीक है बिंदु, पर तुमने हमें ये बात नहीं बताई कि तुम उन मुर्दों के साथ कैसे आ रही थी। बिंदु कायर के बदन से दूर हटती है और कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो जब मैं घर से निकली थी तो मेरे दिमाग में बस कायर का ही ख्याल था, मैं उसी के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते जा रही थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कई सारे लोग मेरे पीछे से आ रहे हैं, एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए। जब मैं पीछे पलटी तो मैंने देखा मेरे पीछे ये मुर्दों की टोली थी, जब मैंने उन्हें देखा तो मैं घबरा गई थी, मुझे तो लगा कि अब मैं गई, वो लोग मुझे मार देंगे, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। जैसे ही बिंदु ये बात बोलती है वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, उन्हें अभी भी बिंदु की बातें ठीक से समझ नहीं आ रही थी। कछुआ अपनी दोनों भवे एक साथ ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या कहा, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया, पर क्यों। बिंदु जवाब देती है, पता नहीं कछुआ, पर यही सच है, उन्होंने मुझे जरा सा भी टच नहीं किया, तभी तो मैं उनके साथ चलते हुए यहाँ तक आ गई। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस तरफ मैं जा रही थी वो भी उसी तरफ जा रहे थे, वो तो जब मैं बीच रास्ते में यहाँ तक आई और देखा कि वो मुर्दे कायर तुम पर हमला कर रहे हैं तो मैं भी उन पर हमला करने लग गई, उसके बाद उन मुर्दों ने मुझ पर हमला किया, वरना यहाँ पर आने से पहले उन्होंने मुझे जरा सा टच तक नहीं किया था। वंदना बड़े ही गौर से बिंदु की सारी बातें सुन रही थी। वंदना कुछ सोचते हुए कहती है, अब मेरी समझ में आ रहा है। रजनी मुंह बनाते हुए वंदना से पूछती है, अब तेरी क्या समझ में आ रहा है वंदना। वंदना जवाब देती है, यही कि उन मुर्दों ने पहले बिंदु को कुछ क्यों नहीं किया। रजनी तुरंत पूछ पड़ती है, क्यों कुछ नहीं किया। वंदना रजनी के सवाल का सीधे सीधे जवाब देते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि पहले बिंदु का मकसद कुछ और था, वो उनके लिए खतरा नहीं थी, वो मुर्दे तारा के लिए आ रहे थे और तारा की रक्षा हम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले हम पर हमला किया। वो तो बाद में बिंदु भी जब हमारी टीम में शामिल हुई उन मुर्दों पर हमला करने लगी, तब उन मुर्दों को पता चला कि उन्हें बिंदु से भी खतरा है, इसलिए वो उस पर भी हमला करने लग गए। अमोदिता वंदना की बात से सहमत होते हुए कहती है, सही कहा आपने वंदना भाभी, मुझे तो ये भी लगता है कि उस काले साए ने स्पेशली उन मुर्दों को ये बात बताकर भेजी है कि वो मुर्दे उन्हीं पर हमला करें जो तारा को बचाना चाहते हैं। जो शख्स उन्हें तारा को उस काले साए के पास ले जाने से रोकने की कोशिश करेंगे वो उन्हीं इंसानों पर हमला करेंगे। बिंदु से कोई कुछ और सवाल पूछता उससे पहले ही बिंदु कायर से पूछ पड़ती है, कायर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो हवेली में थे ना, मैं तो वहीं पर तुमसे मिलने आ रही थी। बिंदु के ये सवाल पूछते ही कायर अगले ही पल बिंदु को बताने लग जाता है कि हवेली के अंदर क्या हुआ था, किस तरह अघोरी ने उन सब पर हमला किया था, पर अभी उसने ये बात नहीं बताई थी कि वो लोग कहाँ पर जा रहे थे। आधी बात ही सुनने के बाद बिंदु कायर को बीच में टोकते हुए कहती है, हे भगवान सच में कलयुग आ गया है, बताओ मरे हुए लोग वापस जिंदा हो रहे हैं, ये तो अच्छा हुआ कि तुम सब उस हवेली से भाग कर आ गए, पर तारा कहाँ पर है। कछुए को शुरू से ही बिंदु की बातें बहुत अजीब लग रही थी, वो कुछ बदली बदली लग रही थी, इसलिए कछुआ बड़े गौर से उसकी सारी बातें सुन रहा था और उस पर नजर जमाए हुए था। बिंदु अपने आसपास देखते हुए तारा की फिक्र करते हुए कहती है, तारा तुम्हारे साथ ही थी ना, फिर वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही, कहीं कोई मुर्दा उसे लेकर तो नहीं चले गया। कायर बिंदु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तारा को कोई मुर्दा लेकर नहीं गया बिंदु,
वो सही सलामत है। जब वो मुर्दों की पहली टोली हम पर हमला करने वाली थी, उससे पहले ही हमने तारा को चैटर्जी के साथ भेज दिया था। बिंदु पलट कर कहती है, ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कायर, पर तुमने तारा को चैटर्जी के साथ भेजा कहाँ पर? कायर बिंदु से कहता है, हवेली के अलावा एक और सुरक्षित जगह है बिंदु, जहाँ पर वो काला साया नहीं आ सकता है। हमने तारा को चैटर्जी के साथ वहीं पर भेजा है। बिंदु कुछ सोचते हुए कहती है, दैवीय झरने के पास तुमने तारा को चैटर्जी के साथ वहीं पर भेजा है ना? जैसे ही बिंदु ये बात बोलती है, सब शॉक्ड रह जाते हैं। किसी के समझ में नहीं आता है कि उनके बताने से पहले ही बिंदु को ये बात कैसे पता चल गई थी। कछुआ बिंदु पर शक करते हुए उससे पूछता है, बिंदु तुम्हें कैसे पता कि चैटर्जी तारा को लेकर दैवीय झरने के पास ही गया है? ये बात तो अभी कायर ने तुम्हें बताई ही नहीं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।